हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आप लोग भी ढूंढ रहे हैं एक नया और एक सॉलिड बारबेल जिसको आप अपने जिम के अंदर ऐड कर सकें और सारी एक्सरसाइज उसके साथ कर सकें? देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एक मल्टीपर्पज बारबेल या एक हाइब्रिड बारबेल खरीदना चाहिए जिसके अंदर आप इजिली स्विच कर सकते हैं अपनी बेंच प्रेस से स्नैचिंग के अंदर या फिर किसी भी क्रॉसफिट एक्सरसाइज के अंदर इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। What's up everybody, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं मैन स्क्वाड जिम रिव्यूज YouTube चैनल, जहां पे हम रिव्यू करते हैं जिम इक्विपमेंट्स का। तो आज हमारे सामने है बुलरॉक फिटनेस का टोरस बारबेल, जो कि इनका एंट्री लेवल बारबेल है। इसके बाद इनके बारबेल की सारी रेंज शुरू हो जाती है जो कि बुलरॉक फिटनेस ऑफर करता है। 20-30 बारबेल है, सबसे बड़ी रेंज है इंडिया के अंदर बारबल्स की जो बुलरॉक फिटनेस ही इस समय आपको दे रहा है। तो इनका एंट्री लेवल वाला बारबेल है, ये सबसे चीपेस्ट बारबेल है, बट मैं इसे चीपेस्ट लो क्वालिटी बारबेल नहीं कहूंगा। इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी बारबेल जो कि इसके काउंटर पार्ट्स हैं, कॉम्पिटिशन है, उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक मल्टीपर्पज़ बारबेल ढूंढ रहे हैं। तो आज मैं इस बारबेल के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और इसके सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्या ये आपके लिए है। तो बट उससे पहले, अगर आप नहीं जानते हो, मेरी एक वेबसाइट है जो कि है manscwads.com, जहां पे मैंने ऑलरेडी बुलरॉक फिटनेस के बारबल्स या दूसरी कंपनी के बारबल्स के रिव्यूज लिख के रखे हुए हैं। अगर आपको चेक करना है कि कौन से टॉप पिक्स हैं बारबल के अंदर, तो आप गूगल पे जाइए, सीधे टाइप करिए मैन स्क्वाड्स, आगे लिख दीजिए बारबल, या फिर डंबल्स लिख सकते हैं आप। अगर आपको डंबल्स खरीदने हैं तो मेरी वेबसाइट आपको मिल जाएगी पहले रैंकिंग पे और वहां पे आप सारे चेकआउट कर सकते हैं कौन से टॉप लिस्ट हैं। वहां पे मैंने रैंक करके रख रखा है बारबल्स को और डिटेल्ड रिव्यू भी मैंने वहां पे लिखे हुए हैं। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। अगर आपको ब्लॉग्स पढ़ना पसंद नहीं है तो आप वीडियो देख ही रहे हैं, इसके अंदर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या ये बारबल आपके लिए अच्छा है या नहीं। तो आइए वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बारबल की अपीयरेंस को लेकर और इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर, इसके डायमेंशन क्या क्या हैं और क्यों मैं आपसे कहता हूं कि ये बहुत अच्छा इकोनॉमिकल ऑप्शन है बुलरॉक फिटनेस की तरफ से, जब आप इसे प्राइस टू क्वालिटी रेशो से कंपेयर करते हैं किसी भी दूसरे बारबल को। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसके अपीयरेंस को। ये है पूरा सिल्वर कलर का बारबल और ये सिल्वर अपीयरेंस का आता है। तो आपने जितने भी ट्रेडिशनल बारबल्स देखे हैं जिम्स के अंदर, सब लोग नॉर्मली सिल्वर कलर का बारबल यूज़ करते हैं और इसके ऊपर कर रखी है ब्राइट क्रोम कोटिंग, जो कि इक्वली आपको रस्ट से और क्रोजन से इसकी शाफ्ट को बचाती है। तो आपने अगर मार्केट के अंदर और दूसरी कोटिंग देखी हुई है सिरोकेट वाली, जो कलरफुल ऑप्शन आते हैं रेड और ब्लैक कलर के बारबल्स या ब्लैक जिंक बारबल्स दे रखे हैं, तो वहाँ पर कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है और ये है एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन। तो यहाँ पर ब्राइट क्रोम दे रखा है और कोटिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से रस्ट को प्रिवेंट कर देती है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि ये मल्टीपर्पज बारबल है और ये कैसे डिफरेंशिएट करता है अपने दूसरे बारबल से, तो ये आप जब देखोगे इसकी जो शाफ्ट है, इसकी शाफ्ट का जो डायमीटर है, जो इसकी शाफ्ट की थिकनेस है, वो है 28.5 mm की। मींस कि ये पावर लिफ्टिंग बारबल की तरह भी काम कर जाएगा और वेट लिफ्टिंग बारबल की तरह भी काम कर जाएगा। ये मिडल में है, तो अगर आपने पावर लिफ्टिंग बारबल्स कभी यूज़ करे हो तो उनकी जो शाफ्ट की थिकनेस होती है वो होती है 29 mm की, और अगर आपने वेट लिफ्टिंग बारबल यूज़ कर रखे हो तो वो होता है 28 mm की। इसमें बस 0.5 mm का डिफरेंस है और ये मिडल में है दोनों के। तो आप इसे दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो और जैसे कि मल्टीपर्पज़ बारबल है तो ये सब लोगों के लिए बना रखा है, ना कि सिर्फ वेट लिफ्टिंग लोगों के लिए या फिर पावर लिफ्टर्स के लिए। दूसरा, जब आप इसकी शाफ्ट के अंदर और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप नोटिस करोगे कि इसके जो नल के ऊपर ना आपको दो नल रिंग मिल जाती हैं, जो बताती हैं कि ये दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। पहली जो नल रिंग है वो है IPF की, विच इज इंटरनेशनल पावरलिफ्टिंग फेडरेशन ने बनाई हुई है, और दूसरी जो नल रिंग है वो है IWF की, मीन्स की इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने जो स्पेसिफाई कर रखी है। जो पहली नल रिंग है इसके अंदर आप अपनी स्क्वाट की ग्रिप ले सकते हो और जो दूसरी नल रिंग है उसके अंदर आप अपनी स्नैच की ग्रिप यहां से पकड़ के ले सकते हो। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके नल के ऊपर। इसके अंदर आपको एक एग्रेसिव नल देखने को नहीं मिलेगा और ज़्यादा पैसिव नल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर है 1.2 mm का डायमंड नल, जो कि नॉर्मली आपको वेट लिफ्टिंग बारबल्स में और जनरल पर्पस सारे बारबल्स के अंदर देखने को मिलता है। वॉल्केनो नल आपको पावर लिफ्टिंग बारबल्स में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नल होता है। तो अगर आपको ज़्यादा एग्रेसिव नल वाले बारबल्स पसंद हैं तो ये शायद आपको इतना पसंद नहीं आए, बट ये जनरल पर्पस बारबल है, सारी जनरल पब्लिक के लिए बना रखा है, तो नल भी इसके
अंदर अच्छा दे रखा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बुरा है, अच्छी ग्रिप दे रहा है, बट इतना एग्रेसिव नहीं है, इतना पॉइंटी नर्ल नहीं है कि आपके हाथ के ऊपर ये चुभे। तो कुछ लोगों के हाथ के ऊपर जैसे गांठे बनी हुई होती हैं, थोड़ी हार्ड स्किन होती है, तो उनको ना अच्छा नल वाला बारबल चाहिए होता है। तो ये नल आपको थोड़ा फीलिंग देगा एग्रेसिव होने की, बट इट इज़ नॉट येट एग्रेसिव। तो दोनों तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो 1.2 mm डायमंड नल के साथ पेयर होता है 4 bronze bushing, जो कि इसकी स्लीव को ऑप्टिमल रोटेशन देता है। पावर लिफ्टिंग बार्बल्स के अंदर आपको ब्रॉन्ज बुशिंग ही देखने को मिलेगी, और वेट लिफ्टिंग बार्बल्स के अंदर बियरिंग होती है जो कि एक्सपेंसिव होती है, बट बुशिंग जो है वो थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, और बुशिंग भी आपको ऑप्टिमल रोटेशन दे देगी। तो जब आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, चाहे स्नैचिंग या क्रॉसफिट की कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जब आप बारबल को अपने हाथ के अंदर घुमाएंगे, तो जो इनर्शिया लगता है प्लेट से, तो वो सारा मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ये स्मूथ रोटेशन आपको दे रही है। पावर लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस के अंदर आपको इतना ज़्यादा स्लीव रोटेशन नहीं चाहिए होता। जब आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी प्लेट्स घूमती रहें और आप स्क्वाट्स में लगे रहें, या बेंच प्रेस में आपकी प्लेट्स घूमें, तब ये थोड़ी कम रोटेट होती है, और वेट लिफ्टिंग के अंदर जब आपको चाहिए तब आप इसे ज़्यादा रोटेट कर सकते हैं। और जब आप आगे नोटिस करोगे तो आप देखोगे इसके बारबल के अंदर सेंटर नल नहीं देखने को आपको मिलेगा, इट्स अ फुल्ली पॉलिश सरफेस मिडल में। सेंटर नल काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है और काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है। मेरे को पर्सनली सेंटर नल इतना पसंद नहीं है, अगर होता भी है तो मैं उसके ऊपर टेप बांध देता हूँ, क्योंकि जब मैं पावर क्लींस करता हूँ तो मेरे गर्दन की स्किन निकल जाती है जब उसे मैं डायनेमिक मूवमेंट्स के अंदर यूज़ करता हूँ। बट सेंटर नल देने का एक पर्पस होता है, आपको पावर लिफ्टिंग बारबल्स में और वेट लिफ्टिंग बारबल्स में दोनों में आपको सेंटर नल मिलेगा, बट मल्टीपर्पज़ बारबल के अंदर थोड़ा ये सेंटरनल यहां से हटा देते हैं, बिकॉज ऑफ द हाई रैप वर्क के अंदर आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारी रेपिटेशन मार रहे हैं, जैसे क्रॉसफिट एथलीट्स काफी ज्यादा रेपिटेशन मारते हैं, तो उनको सेंटर नल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। बट जहां पे आप इसे स्क्वाट्स के लिए यूज करोगे, तो जब आप अपनी इसे शर्ट के ऊपर पीछे रखोगे बैक स्क्वाट्स में या फिर फ्रंट स्क्वाट्स में, तो ये इतनी अच्छा ग्रिप आपको नहीं बना के देने वाला। तो सेंटर नल इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस, किसी लोगों को पसंद होता है, किसी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो अगर यहाँ पे होता इट्स अ गुड एडिशनल फीचर, बट यहाँ पे ये एब्सेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायमेंशंस पे, तो ये 20 kg का बारबल है, सिंगल वेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, 15 kg और 10 kg के अंदर ये बारबल आपको नहीं मिलेगा। और जो इसकी लेंथ है वो है 7.2 feet, जो कि सारे ओलंपिक बारबल्स की होती है। रैकेबल लेंथ है, मैंने इसे अपने रैक के ऊपर रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी पावर रैक है या फिर स्क्वाट स्टैंड है, आप इजीली वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हो। तो अगर मैं आपको इस बारबल के ऊपर अपना ओपिनियन दूं, क्या ये बारबल मुझे पसंद आया फिर मुझे बारबल नहीं पसंद आया, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या चीज़ें मुझे इस बारबल के अंदर खूब पसंद आई हैं। तो पहली चीज़ तो वैसे है प्राइस, तो ये इकोनॉमिकल बारबल है, तो प्राइस इसका जो है वो है 12,968 rupees प्लस शिपिंग। तो ये बारबल आपको लगभग 14,000 rupees के अंदर मिल जाएगा, तो ये एक एंट्री लेवल बारबल है। और जो बुलरॉक के बारबल्स हैं वो तो भाई 17,000, 18,000 या फिर 30,000, 35,000 rupees तक के भी जाते हैं। तो ये अगर मेरे को एक ब्रांडेड बारबल चाहिए और बुलरॉक फिटनेस से भी चाहिए, तो ये एक एंट्री लेवल बारबल है, एक गुड वेटलिफ्टिंग बारबल है, गुड बिगनर बारबल है। तो जब मैं ये वाला बारबल लूंगा, थोड़ा कॉस्ट सेव होगी मेरी, और मैं अपने दूसरे इक्विपमेंट के ऊपर पैसे लगा पाऊंगा। अगर मेरे को वेट प्लेट्स चाहिए या फिर मेरे को स्क्वाट रैक चाहिए या डंबल्स चाहिए, तो दूसरे इक्विपमेंट्स के लिए भी मेरे पास थोड़ा बजट रह जाएगा, और येट मेरे को एक अच्छी क्वालिटी वाला बारबल मिल रहा है जो कि 20 किलो का है, जो कि सारे डायमेंशंस मीट करता है, जो कि एक अच्छे बारबल, जो महंगे बारबल्स आ रहे हैं बुलरॉक के, उनके साथ ये बिल्कुल डायमेंशंस पे अलाइन रहता है। फिर दूसरी चीज़ जो है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे मैंने आपको बताया 150K की टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको इसमें देखने को मिलेगी, मींस कि आप इसके अंदर 450 kg तक का लोड लगा सकते हो कलेक्टिवली दोनों स्लीव के ऊपर, और ये तब भी बेंड नहीं होने वाला या ब्रेक नहीं होने वाला। तो मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी 450 kg तक है, और जैसे मैंने आपको बताया ये एक गुड बिगनर बारबल है, तो बिगनर कभी 450 kg लगा के स्क्वाट नहीं करने वाला। मुझे लगता है प्रो पावर लिफ्टर भी जो होते हैं वो भी अभी तक 450 kg नहीं मारते हैं, वो भी 300-350 तक रहते हैं, और ये पावर लिफ्टर के लिए तो बारबल है नहीं है। तो अगर आप चाहो तो ये बारबल आपके लिए एक गुड स्टार्ट हो सकता है। अब अगर आप फ्यूचर के अंदर ग्रो कर जाओ कि अभी आप 100 kg की स्क्वाट कर रहे हो, फिर आप 150, 200, 300 तक भी चले जाओ, तो इसकी आपको पता है कि जो इसकी मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी है वो तो 450 kg है, तो वहां तक आप कैप आउट कर नहीं पाओगे। तो ये आपको बिल्कुल सेफ रखने वाला है बारबल, कभी बेंड नहीं होने वाला, तो ये आपके लिए लाइफ टाइम परचेज होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। तो जैसे कि आप देख रहे हो इट्स अ फुल ब्राइट क्रोम बारबल। अब मैंने आपको बताया ब्राइट क्रोम एक इकोनॉमिकल कोटिंग ऑप्शन है और अच्छा ऑप्शन है, इस पर ज़्यादा रस्ट वस्ट नहीं लगती, बट जब आप
कोटिंग के चार्ट को देखते हो तो ब्राइट क्रोमला काफी नीचे रैंक करता है दूसरी कोटिंग के मुकाबले में। तो ब्राइट क्रोम के ऊपर अगर आप गैराज जिम के अंदर हो, ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर आप रहते हो, तो आपको रस्ट के साइंस इसके अंदर जल्दी देखने को मिल सकते हैं इस कोटिंग के अंदर स्पेशली। दूसरी अगर आप महंगी कोटिंग पे जाते हो तो यहां पे रस्ट आ सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा हाई मेंटेनेंस हो जाएगा, आपको रेगुलरली हफ्ते दर हफ्ते अपने बार्बल को रस्ट से क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन रखने का कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, आप इनकी बुलडॉग फिटनेस का बार्बर हीलर एक मेंटेनेंस किट आती है, आप वो खरीद लीजिए, इजीली आप इसमें ड्रॉप कीजिए और ब्रश मिलता है आपको, ब्रश से इसे साफ कर दीजिए। तो ब्राइट क्रोम की बस यही नुकसान है, थोड़ा सा आपको हाई मेंटेनेंस लगेगा, बट कंसिडरिंग इट कॉस्ट, क्योंकि इसकी कॉस्ट रिड्यूस करता है क्योंकि ब्राइट क्रोम कर रखा है, तब आपके लिए इतना करना तो थोड़ा बनता है। दूसरी जो चीज़ है जो आपको खास पसंद नहीं आएगी, स्पेशली अगर आप वेट लिफ्टर हैं और आप इस बारबेल को यूज़ करने वाले हैं वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस के अंदर ज़्यादा, और आप इंक्लाइंड हैं कि आप स्नैचेस ज़्यादा करेंगे, आप क्लीन एंड जर्क ज़्यादा करेंगे, आप पावर क्लीन ज़्यादा करेंगे, तो जो आप मैंने आपको बताया कि इसके अंदर स्लीव रोटेशन है, बट ऑप्टिमल स्लीव रोटेशन है, गुड स्लीव रोटेशन नहीं है, जो कि आपको निडल बेयरिंग्स में देखने को मिलता है। तो अगर आप इसमें पावर क्लीन ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको अपनी हथेलियों को बहुत तेज घुमाना है, बारबेल के नीचे घुसना है विद इन मिनी सेकेंड्स, तो ये जो स्लीव रोटेशन है ये आपको थोड़ा फील होगा कि ये इतना स्मूथली स्पिन नहीं कर रहा है। बट पावर लिफ्टिंग में अगर आप स्टैटिक यूज एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जैसे कि बेंच प्रेसेज या स्क्वाट्स, तब आपको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें ना आपको मिडिल ऑफ नोवेयर वाली फीलिंग आएगी कि पावर लिफ्टिंग के अंदर भी आप कुछ कर सकते हो बट कुछ लिमिटेशंस हैं, और वेट लिफ्टिंग के अंदर भी आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज कर तो सकते हो बट कुछ लिमिटेशंस वहां पे भी आपको मिलेंगी। सो ये था आज का रिव्यू फॉर बुलरॉक फिटनेस टोरस बारबल। आपको अगर ये बारबल पसंद आया हो तो इसकी बाइंग लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। प्राइस है इसका 12,968 रुपीज़, विच इंक्लूड्स 18% ऑफ GST, प्लस इसके ऊपर आपको शिपिंग देना पड़ेगा। मैं सीधे डायरेक्टली आपको अमेजोन की लिंक दे देता हूँ, आपको फाइनल प्राइस वहाँ पे दिख जाएगा, या फिर आप जाके इनकी डायरेक्टली वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये बारबल पसंद आया हो तो प्लीज़ परचेज। अगर आपको दूसरे बारबल के बारे में जानना हो, या फिर आपका थोड़ा बजट इससे कम हो, या फिर थोड़ा ज़्यादा आपको एक स्पेशलिटी बारबल खरीदना हो, तो अब मैं आपसे कहूँगा कि आप manscots.com, जैसे मैंने आपको बताया मेरी वेबसाइट है, आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे किसी भी बारबल को सर्च कर सकते हैं। मैंने पावर लिफ्टिंग बारबल, वेट लिफ्टिंग बारबल और डेडलिफ्ट बारबल, सेफ्टी स्क्वाट बारबल, सबके ऊपर बना रखा है रिव्यू और ब्लॉग पूरा लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बारबल बेस्ट रहने वाला है इंडिया कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और इक्विपमेंट को रिव्यू करते हुए। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।